बेटी भाई। हमेशा मालूम क्या होता था, हमेशा ये होता था कि लेट तैयार होते थे क्योंकि आप मुझसे डर गए। डर गए लेट पड़ता है बेलन में और करछी में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? और आज ईद, हैप्पी ईद। तो कल मुझे टाइम नहीं मिला मेहंदी लगवाने का, मैंने अब लगवाई है। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी है, दिखाइए दिखाइए। और ये है हमारी क्रॉसिंग रिपब्लिक में गलेरिया में एक शॉप है, वहाँ पर है राकेश भैया जो बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, आप भी उन्हीं से लगवाइएगा। अब है शॉप। तो जी आज मुझे मसाज करानी पड़ी क्योंकि कल मैंने बहुत सारा डांस किया था, राजा भी आया था, राजा के साथ में तो भाई वो बहुत सारा डांस कराता है मेरे को, तो वो सब करना पड़ा। कल रेखा मैडम भी नहीं आई थी जिसकी वजह से लोड ज़्यादा रहा। हम दोबारा आपको उनके पैर दिखाते हैं, ये देखिए रेखा। तो कल रेखा मैडम भी नहीं आई थी, तो सो बाकी आज सब आ रहे हैं, मम्मी पापा भैया भाभी बच्चे, मज़े करेंगे हम, तीज मनाएंगे। तो सारी रेखा ने सब तैयारी कर दी है, रेखा सारा काम कर लेती है, बस मेरे को काम छोपने छोपने का ही है। वो भी इसलिए कि चलो मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज तो सब रेखा कर सकती है, रेखा बहुत अच्छी है। तो आज हम बना रहे हैं छोले और दम आलू और इधर राइस और इधर ये क्या है भटूरे का आटा। और आन्या का आज प्रोग्राम है स्कूल में, देखिए ये भी हो रहा है, तो उसके लिए हमने मैक्रोनी बनाई है। मेहंदी मैंने लगवा लिया था, मैंने इसको चाकू से हटा लिया है, अभी रच जाएगी रात तक, और बस उसको मैक्रोनी देना है, चिप्स देना है, ये भी साइड बाय साइड काम चल रहा है। तो बस उसके बाद मैं 3:30 तक फ्री होकर और उसको छोड़ कर आऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, देन मैं तैयार होंगी और फिर हम बहुत सारे रील बनाएंगे। ये 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 तो भाई अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं तैयार हूँ या आन्या के फंक्शन के लिए वहाँ पर कुछ कैजुअल पहन के जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं ऐसे ग्रीन सूट मेकअप शेकअप में जाती हूँ तो कैसे लगूँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी ऐसे ही पहन जाती हूँ कुछ जीन्स टी शर्ट वगैरह, और बाद में आके जल्दी जल्दी आके फिर रेडी होती हूँ। चलो यार मेरे शोल्डर बहुत दुख रहे हैं पर ठीक हो जाएंगे। मैंने अपना घर बहुत सुंदर सा करा लिया है, देखिए मैं गंदी लग रही थी, गंदी गंदी गंदी, अभी अच्छी हो जाएगा। तो जी बहुत सोचने के बाद मैंने ये पहन लिया है, खुले वाले क्यों अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर, छोटे क्यों नहीं अच्छी लगती, और वो भी ये, वैसे ही मेरा दिल का वहम भी हो सकता है कि अच्छे लगते हो सकते हैं अच्छे ही ना लगते हो। फाइनली अभी मैंने ये गेटअप लिया है और आप देखिए, और अभी मैं जब आन्या को लेके आ जाऊँगी 7 बजे तो फिर मैं जल्दी से तैयार होंगी फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि मुझे बाकी सबके वेलकम के लिए भी रेडी रहना है। तो चलिए मिलते हैं आन्या के स्कूल में, और आज उसका परफॉर्मेंस है तो चलते हैं उसको चेयर अप करने के लिए। यार बालों में ना पीछे से ऑयल लगा हुआ है यार, ऐसा मत करना कि मुझे वॉश करने पड़ जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। चलो मिलते हैं। ओके बात है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस था बच्चों का, ले जा नहीं सकती मैं अभी अपनी बेटी को क्योंकि परमिशन नहीं है और मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि गेस्ट आए हैं। तो ठीक है चलते हैं फिर अब, लेकिन बहुत अच्छा आज का परफॉर्मेंस रहा, वेट बहुत कराते हैं यार स्कूल वाले। फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, इतनी देर बाद, इतनी देर बाद, माई गॉड,
आज सुबह से हैप्टिक शेड्यूल था बहुत ज़्यादा। और ये भी मेरा सूट बनाया है सोनाक्षी ने, देखिए कितना प्यारा है। दुपट्टा तो मैंने वैसे ही लटका लिया, लेकिन ये सूट शरारा वाला सूट। और आज तो मेरे हस्बैंड भी 10 में से 10 ले गए, दिखाती हूँ कैसे। पहले आप मेरे घर का डेकोरेशन देखिए, सुंदर लग रहा है ना। ये हमारा डाइनिंग हॉल, ये हमारी प्यारी सी किचन, मॉम्स किचन है एक्चुअली। और ये बेडरूम अच्छा है ना, लगता है हस्बैंड से पहले कोई और आ गए हैं, तो मैं आपको मिलवाती हूँ। तो जी आज ये 10 में से 10 ले गए हैं, हमने सोचा कोई गेस्ट है, लेकिन वो आ गई थी क्वायरी डांस क्लास की। वेल मेरा हस्बैंड ग्रीन इतने प्यारे लग रहे हैं क्यूटी पाई। हमेशा मालूम क्या होता था, हमेशा ये होता था कि लेट तैयार होते थे, क्योंकि आप मुझसे डर गए। अच्छा अच्छी उम्मीद कटोशी। तो जी लीजिए, नहीं ये नहीं है, यही है, ये नहीं है। हेलो जी आ गए, हेलो आ गए, हेलो जी, बढ़िया, आ जाओ मेरी बिटिया, हरी हरी हैप्पी तीज, लगा लो पे, आओ पे, यहाँ यहीं लगाओ ना गाड़ी, आओ। जय श्री राम। ब्यूटीफुल भाभी, हेलो भाई, हेलो भाई, हैप्पी तीजो, मम्मी आओ जी, हैप्पी तीज, ग्रीन, आओ जी, आओ बेटी, आ जाओ मेरी रानी बेटी। हेलो, आ गई मैं चंदा और मेरी बच्ची। ओ भाई, चारे उतार के आ रही हो सामान, तुम तो चारे ले लिया, मिलियो भाई, मिल लो। आई बच्ची, अरे तो कोई भी है। हेलो जी, हेलो, हेलो, हाय, आपकी तरफ करूँ। ये मिली हमारे ताऊजी ताई जी हैं, जिनके आप मिलकर आए थे कंकर खेड़ा। आ जाओ। गले लग जाओ ए जी, ताई जाओ जी स्टार्ट। झूला तो पड़ गयो अम्मा की डा, स्माइल तो करो पे जी ए जी, कोई ताई जी ताऊ जी की तरह देख लो, झूला तो
झूले तो पड़ गए। माँ को झुलाते हुए कैसा लग रहा है? एक माँ को झुलाता हुआ बेटा। इंतजार के बाद अब आया है मेरा मनीष भाई, जिसने हमें तरसा के रख दिया और उसके साथ हमने अपना डाटा कंप्लीट किया है। फोटो खिंचवाइए, रील बनाइए। अब तो जी अब आइए, मेरी तीजो का सामान आया है। मम्मा निकाल रही हैं, पापा निकाल रही हैं, मुझे करने हैं कपड़े चेंज। मैंने कहा भाई पहले ये करा लो, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूंगी। भाभी भी लगी पड़ी हैं। पिंटू भाई परेशान हो चुका है, बिट्टी कितनी वीडियो रील बनाएगी। और इधर चल रही है पार्टी, जो कि हमारे लास्ट गेस्ट, जो हमारे भाई लास्ट आए हैं, उनकी वजह से आखिरी चीज़ें चल रही हैं। और मेरे हस्बैंड डरे डरे से कितनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कितनी वीडियो करवा रहे हैं, कितनी फोटो। आ जाओ जी, अरे लो 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 लो, पहले ये तो लो। नेहा, तो भाई आफ्टर ऑल चाहे हम कितना भी तैयार हो जाएं, चाहे हम कितना भी सज लें, चाहे हम कितना भी फाइनली हमें आना तो इसी में पड़ता है, बेलन में और करछी में। क्या करें, कुछ नहीं करें। ये हमारी भाभी सर्व करा रही है, भाग दौड़ कर करके बेचारी मम्मी और ताई जी लगी हुई थी। तो अभी हमने सोचा यार आप लोग बैठो अंदर, एसी चाहे कितने भी चल जाए लेकिन फिर भी गर्मी है, लेकिन हम लेडीज डटी रहती है। हमारा टारगेट पूरा हो गया और अब हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और खाना खाएंगे मस्त एकदम। आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या बनाया। वैसे मैं दिखा चुकी हूँ लेकिन एक बार और दिखाती हूँ। देखो ये हमारा भटूरा, ये भटूरा बन रहा है पूरा बिना फूला। भाई बहुत सारे भटूरे बन चुके हैं, फूल गए भटूरे की तरह। आओ भाई, और इधर यहाँ खाना चल रहा है, कैसा लग रहा है? अरे भाई भटूरे ले आओ भाभी, ऑल आर एंजॉयिंग। भाई कैसा? बहुत बड़े बिट्टी, बहुत बढ़िया। कभी कभी का क्या मतलब है? नमक और डाल देती तो बढ़िया हो जाता है। नमक ले लो भाई, नमक ले लो थोड़ा, पका दो भाई, झेल लो जैसा भी है। जिया जी नहीं बोल सकते कुछ भी। जिया जी कैसे, खाना कैसा है जी? सुनो जी कैसा है? बहुत अच्छा है, और ऐसे अच्छा बनता है। मैं ढीली दिखाता हूँ, हमारे कभी टेस्ट में तक कभी ऐसी लगा कि मैं उस समय निकालू। सीने की बार है, भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि मैं बीबी के खाने में कभी निकाल सकूं। मुझे देखो ऐसा तो बेकार। तो जी सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब लोग आए। जीजा गए, जीजा सो गए हैं, जीजा तो सो गए। सबको बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग आए। बोलो बोलो, भाई आ गया। और बस एक भाई वो आ रहा है, मेरा ये आ रहा है। तो भाई अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत कुछ करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हम आपको बहुत कुछ देंगे।